सांभरानी नाम की एक चीज़ होती है जिसे उत्तर भारत में लोभान कहते हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो बहुत कीमती होती है। इसका एक बड़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वातावरण पे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुशबू के कारण ही, ये एक अलग तरह की चीज़ है। ये हवा को साफ कर देता है, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा जीवंत बना देता है। मूल रूप से वहाँ पे जो भी ऊर्जा की संरचनाएं हैं वो इंडोर को भी आउटडोर के जैसा महसूस करने लगता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जब उन्हें जलाया जाता है, पहले एक चीज तो यह है कि उनसे खुशबू निकलती है जो कि अच्छी होती है, जो कि हमारी नाक के लिए सुखद होती है। और अगरबत्तियों को जलाना, इसका उद्देश्य पर्यावरण के लिए है, ये आपके बारे में नहीं है। क्योंकि खासतौर से जो इंडोर स्पेसेस होते हैं कमरों के अंदर, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह की गंधें होती हैं और अलग अलग तरह की ऊर्जा संरचनाएं भी बन जाती हैं। कमरे के आकार और रूप से ये तय हो सकता है। इसी वजह से कमरे के आकार पे ध्यान दिया जाता है भारतीय संस्कृति में। एक कमरे के आकार पर बहुत ध्यान दिया जाता है जिस कमरे पे आप रहते हैं। और मान लीजिए कि दोनों तरफ दीवारें नहीं हैं और बहुत सारी हवा चल रही है, तो वो लगभग आउटडोर जैसा ही होगा। लेकिन ज़्यादातर घर ऐसे नहीं होते क्योंकि आपके बगल में पड़ोसी हैं, आप बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं लगा सकते, मौसम का मामला है, कई सारी चीज़ें हैं और एयर कंडीशनिंग भी है। तो अलग अलग आकार, अलग अलग जो साइजेस होती हैं, वो अलग अलग तरह के एनर्जी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऊर्जा के संरचनाएं बनाते हैं। ये ऊर्जा के ढांचे अगर ये बहुत मजबूत बन जाते हैं तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवस्था को तय कर सकते हैं, जो कि या तो आपके लिए, आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल हो सकती हैं या एक रुकावट बन सकते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कि भारत में चंदन है, सांभरानी नाम की एक चीज़ होती है जिसे उत्तर भारत में लोभान कहते हैं। जब लोग बीमार होते हैं उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सांभरानी लोभान जलाया जाता है और अभी हमें यह भी पता चला है कि इससे हवा में कुछ बैक्टीरिया भी मरते हैं। तो खास तौर पर अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो हर जगह सांभरानी या लोभान का धुआं किया जाता है। अगर हम कोई पवित्र त्यौहार करना चाहते हैं तो सांभरानी जलाया जाता है। ये एक तरह की धूप है जो एक पेड़ से टपकती है। पेड़ से टपकने वाला ये एक रस है। इस लोभान की खोज में आप देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन लोग इसके इस सूखे हुए रस को इकट्ठा करते हैं। ये छोटी सी चीज है जो बहुत कीमती होती है। इसका एक बड़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वातावरण पे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुशबू के कारण ही, ये एक अलग तरह की चीज़ है। ये हवा को साफ कर देता है, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा जीवंत बना देता है। मूल रूप से वहाँ पे जो भी ऊर्जा की संरचनाएं हैं वो इंडोर को भी आउटडोर के जैसा महसूस करने लगता है। बस हल्का सा लोभान अगर आप घर में उसका धुआं करते हैं तो भले ही आप घर के अंदर हों, आपको ऐसा लगा कि आप बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये उस स्थान की संरचना को हटा देगा। खास तौर पर अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो घर के अंदर 10 से 12 दिनों तक लोभान का धुआं किया जाता है ताकि वो हवा को पूरी तरह से साफ कर दे। अगरबत्तियों का एक प्रभाव होता है, लेकिन इससे ज़रूरत से ज़्यादा ना कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके आध्यात्मिक स्वभाव को तय कर सकता है, ये वातावरण को थोड़ा बदल सकती हैं। इसे कुछ ज्यादा ही सर्टिफिकेट ना दें, इसका थोड़ा सा प्रभाव है। आप समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों अगरबत्तियों का निर्माण केमिकलों के साथ किया जा रहा है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप उन्हें ना जलाएं। सड़कों पर और इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जहां पे भी आप काम करते हैं, हर जगह ढेर सारे केमिकल वेले पहले ही हवा में तैर रहे हैं। कम से कम अपने घर के अंदर केमिकल से बनी हुई अगरबत्तियां ना जलाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल
बाजार में जो अगरबत्तियां मिलती हैं उसमें करीब 70-80% केमिकल वाली होंगी। उन्हें जलाने के पहले आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बंद कमरों के अंदर अगर आप केमिकल जलाते हैं तो इससे जो नुकसान हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं या जो प्राकृतिक धूप हैं, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा है। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हो सकता है।